उपचुनाव के नतीजों से संबंधित सहाड़ा से अगर आपको बताएं कि 5 राउंड की मतगणना सहाड़ा में पूरी हो चुकी है। कांग्रेस की गायत्री देवी 6,236 वोटों से यहां पर आगे चल रही हैं। कांग्रेस की गायत्री देवी को 15,018 वोट यहां पर अब तक मिले हैं। अभी हालांकि ईवीएम लगातार जैसे जैसे खुलती जाएंगी, पिक्चर जो क्लियर होती जाएंगी, बीजेपी के रतनलाल जाट और आरएलपी के बद्रीलाल जाट से भी यहां पर मुकाबला है सीधे तौर पर। तो साडा में 5 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और 5 राउंड की मतगणना में कांग्रेस की गायत्री देवी 6,236 वोटों से आगे चल रही हैं। कांग्रेस की गायत्री देवी को 1,518 वोट अब तक मिले हैं 5 राउंड में। बीजेपी के रतनलाल जाट को 8,782 वोट मिले हैं। वहीं आरएलपी के बद्रीलाल जाट को 1,689 वोट मिले हैं। ये 5वें राउंड की मतगणना के बाद के रुझान है। जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, आज ज़्यादा समय लगेगा नतीजे आने में क्योंकि ईवीएम की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी कोरोना के चलते और कई राउंड की मतगणना है यहाँ पर। अभी 5 राउंड की मतगणना के जो रुझान है वो हम आपको बता रहे हैं। जो ट्रेंड अभी आया है वो साडा और सुजानगढ़ दोनों जगहों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। राजसमंद की बात करें तो बीजेपी अभी आगे है राजसमंद में। दीप्ति माहेश्वरी जो किरण माहेश्वरी की बेटी हैं उनको ज़रूर एक सहानुभूति की लहर का फायदा यहां पर मिला हुआ दिखाई दिया है। साढ़ा की बात की जाए 5 राउंड की मतगणना यहां पर पूरी हो चुकी है। कांग्रेस की गायत्री देवी 6,236 वोटों से इस वक्त आगे चल रही हैं। कांग्रेस की गायत्री देवी को 15,018 वोट मिले हैं। बीजेपी के रतनलाल जाट को 8,782 वोट मिले हैं 5 राउंड में। आरएलपी के बद्रीलाल जाट को 1,689 वोट मिले हैं यानी कि तीसरे नंबर पर आरएलपी। वहीं अगर सुजानगढ़ में अगर हम देखें तो आरएलपी दूसरे नंबर पर है, बीजेपी तीसरे नंबर पर है। साडा में बीजेपी दूसरे नंबर पर, कांग्रेस पहले नंबर पर चल रही है। ये जो ताज़ा अपडेट इस वक्त मिल पा रही है साडा से वो हम आपको बता रहे हैं। तो कोरोना काल में लोगों की हालत अभी ख़राब है, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इसी बीच ये मतगणना और मतगणना के ताज़ा रुझान इस वक्त आप इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर देख रहे हैं। 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव राजस्थान में, यहां पर साडा में 5 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये मतगणना फिलहाल जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ साडा से सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट है आपके पास साडा से? जी, मैं बता देता हूँ, गायत्री त्रिवेदी जो कि 6ठे राउंड में 18,304 वोट ले चुकी है और बद्रीलाल जाट है जो 1,818 वोट ले चुके हैं। वहीं रतनलाल जाट भारतीय जनता पार्टी के 10,092 वोट ले चुके हैं। अन्य को भी काफी निर्दलीयों को वोट मिले हैं। ये जानकारी है 6ठे राउंड की। जी, तो 6 राउंड आप कह रहे हैं शैलेंद्र यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। हाँ, मैं सुजानगढ़ की बताना चाह सकता हूँ। हाँ जी, सुजानगढ़ में अभी तक जो 5 राउंड हो चुके हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के खेमाराम मेघवाल को 7,487 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस के नेता मनोज मेघवाल को 12,086 वोट मिले हैं। वहीं आरएलपी के प्रत्याशी सीताराम नाइक को 9,050 वोट मिले हैं। अन्य किसी को 100, किसी को 300, 250 ऐसे वोट मिले हैं। लेकिन शैलेंद्र, आप सुजानगढ़ का जिक्र कर रहे हैं और ये बड़ा दिलचस्प है कि सुजानगढ़ का जो चूरू जिला बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का गृह जिला और वहां पर भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर चल रही है। जी, सतीश पूनिया जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुजानगढ़ के, राजगढ़ के हैं, जिले के हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके जो क्षेत्र से हैं जहां पे उपचुनाव हो रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल अभी तक 3 नंबर पे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कमजोर नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट साडा में 5 राउंड की मतगणना, 6 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। उसके बाद की तस्वीर यह है कि 6 राउंड के बाद कांग्रेस की गायत्री देवी अभी आगे चल रही हैं। सुजानगढ़ में 5 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी के मनोज मेघवाल आगे चल रहे हैं, मास्टर भवनलाल मेघवाल के बेटे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात यह है कि बीजेपी शुरुआत से 3रे नंबर पर, आरएलपी दूसरे